जिससे ना बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनता रहा है। दही जो है दोनों तरफ से ये जैसे गर्म हो गया, शुगर गया, सारी शाम है, लाइट नहीं है, तो चलो गुजारा हो रहा है। तो ये इधर हीटर है, ये बहुत अच्छा आधे घंटे तक इंशाल्लाह बन जाएगा। इन्नी देर तो हो रहा है, मैं क्या अभी बस रुकी लगा ना। कितना अच्छा सुना, ये पौधे नए निकल रहे हैं, शाखे निकल रहे हैं, प्यारी माशाल्लाह से। इसके मैं टेंट कर दी थी, लेकिन ये माशाल्लाह से कितना प्यारा निकला हुआ है, ये फूट रहा है, अल्लाह की कुदरत। सर्दियाँ निकलने के बाद साथ ही वेरी ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा सीन लग रहा है। माशाल्लाह से चावल कितने मज़े के बने हैं। पुलाव पहले तो मटर पुलाव रोज़ बनाते हैं ना, इस दफ़ा ये है कि हम लोगों ने इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे गाजरें, शिमला मिर्च, मटर और गोश्त का था थोड़ा सा सर बड़ा हुआ, वो भी आलू शालू सारा मटर हर चीज़ आई थी, लेकिन बहुत बिरयानी मसाला और हर चीज़ हैं तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े माशाल्लाह से अच्छे हैं, अच्छे बन जाते हैं। शिमला मिर्च भी नज़र आ रही है, सारा कुछ ही गजरी हर चीज़, इतनी मल्टी पुलाव ही है बिरयानी का थोड़ा। और ये सब पौधे हैं, चिड़ियों के चावल भी तैयार हो गए हैं सर माशाल्लाह से। सुबह सुबह आते बैठती हैं ट्रे पे टेरेस पे, तो फिर उनको होता है खाने का, चलो अल्लाह का शुक्र है उनका भी तैयार होते। और ये भी माशाल्लाह से इतनी मज़े की बिरयानी पुलाव जो भी सारा कुछ रेडी हो गया माशाल्लाह, कितनी मज़े करा अपने अल्हम्दुलिल्लाह। साथ सैलड वगैरह बच्चों ने पहले ही तैयार कर लिया, और रायता थोड़ा बनाते हैं, खाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे इतने मज़े के लग रहे हैं। सुबह हो जाएंगी चिड़िया के भी मौजे आ जाएंगे, उनके भी रेडी हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो चावल लगाने के लिए जाओ, ये बड़ा अच्छा तरीका है, लाइट गई हुई है, नजर ही नहीं आ रहा सही तरह से। हो गया नीम गर्म, नीम गर्म हो गया। तो यहाँ रह के ना ये सर्दी की वजह से ना जल्दी बनते ही नहीं, ये दही ले रही है, योगर्ट चाक इतने लेके इसमें मिक्स करके इस तरह, ये ना उससे भी नहीं होती ना, कपड़े में लपेट के भी। लेकिन ऐसे इधर भी हीट है और इधर भी चूल्हा चल रहा है, तो ये दही बड़ा अच्छा आधे घंटे में बन जाता है। मैंने सब्जियों में दो तरीके किए थे, एक ये वाला और एक वो एक और था, ये भी गरम
दो चने गर्म पानी रख दिया था मैंने, तो चलो बर्तन वॉश हो जाएंगे। ये तकरीबन 30-40 मिनट बाद हमारा माशाल्लाह से कुछ इस तरह का जो है ना दही तैयार हो गई, लगी नहीं रहा माशाल्लाह से कितना मज़े का बने। सर्दियों में पहले वो कपड़े में लपेट पुट के रखते थे, वो नहीं सही बनता था, लेकिन माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनाए गए। देखिए ज़रा भी नहीं हिल रहा है, ये देखिए ज़रा भी कितना मज़े का बनाया है। यम्मी योगर्ट माशाल्लाह, माशाल्लाह लुकिंग सो यम्मी। इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा होके तो और मज़े का बन जाए। चाय हो गई और डी एंड हो गया, ये मेरा बड़ा वाला कप मेरे, तो इसके बाद फिनिश हो जाएगा ये काम जो किचन इज क्लोज्ड। चाय डी एंड स्टेज ऑफ डे, लाजमी सारे बच्चे पीते हैं सारा दिन पानी शानी जरूरी, क्या कहते हैं पंजाबी में वादा काटा हो जाता, तो चलो फिर से सारा इक्वल हो जाता है सारा कुछ। बच्चों की जर्सियाँ जो थी वॉश करके तो हमने इधर हैंग कर दी, क्योंकि अभी हमने कबर नहीं बनवाई, तो फिर ये कबर से भी बल्कि वो जो हैं उसमें से बाहर आ रही थी, तो इधर मैंने ये सारी हैंग कर दी हैं। चलो आसानी से बंदा जो मैचिंग करके उन्होंने कपड़ों के साथ पहननी है तो आराम से तो पहन ले सारी, कुछ नहीं लाए हैं कुछ पहले की पड़ी हुई है, तो वो फिर माशाल्लाह से अल्लाह पहन नसीब करे बच्चों को। और ये सारे कुछ फिर मैंने इसी करके इधर आ दिए, तो ये जो गर्म कपड़े हैं यहाँ से उठा के खुद ही वो पहनने के देने नहीं पड़ते, ना आयरन करने पड़ते हैं, सारे वो खुद ही वो पहन पहन लेते हैं। कपड़े तो कबर में वो पूरी नहीं आ रही थी, जर्सियाँ स्वेटर ये कोट वगैरह, तो इधर यूँ लग रहा है सेल लगी हुई है, तो माशाल्लाह से आराम से बच्चों को फिक्र ही नहीं होती फिर देने की, के आराम से निकालते हैं इधर से ही पहन के, तो चलो जी माशाल्लाह सारी अल्लाह का शुक्र है सारी हो गए, लाइट आती जाती रहती है, तो चलो ये भी जब भी कहीं जाना हो जो भी स्वेटर वगैरह मैच करके उन्हें पहनना हो आराम से पहनते हैं, और ये जाओ वो जाओ। बाकी जो कभी कभार पहनने वाले वो मैंने सारे प्रेस करके तो इसमें रख दिए सारे, ये भी सारे गर्म कपड़े इधर रख दिए। चलो इधर से लेके, वैसे भी गंद पड़ा होता है वैसे तो, जिस तरह चलो पैकिंग में जो भी चाहिए तो ना कि कीड़े वगैरह का डर होता है, और आराम से निकाला पहना बस अल्लाह ला खैर सलाह। अभी भी यार धुंध है, बाद ने कपड़े हुए हैं तो वॉश करने वाले, तो ये मौसम ही नहीं ठीक हो रहा,